जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कांग्रेस के संदर्भ में मैंने एक वीडियो दिया था और कहा था कि आने वाले समय के अंदर अगर कांग्रेस को दोबारा से खड़ा होना है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या करना उनके लिए जरूरी है, या यूं कह लीजिए कि मजबूरी है और ये उनको करना ही पड़ेगा। और आप लोगों को वीडियो याद भी है। ऐसे में राहुल गांधी जी अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। काफी लंबा पड़ाव उनका पूरा हो गया है और बहुत कम समय बचा है उनकी इस यात्रा को पूर्ण होने में। ऐसे में एक प्रश्न बहुत लोगों के मन में है, खासतौर पे कांग्रेसियों के मन में तो होगा कि आखिर इस भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या ये यात्रा जो उन्होंने की है इसका उन्हें राजनीतिक फायदा मिलेगा? उनकी पर्सनालिटी पर इसने इम्पैक्ट डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इसका राजनीतिक फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि उनकी छवि को सुधारने में जो उनको एक मौका इस यात्रा से मिला है, क्या ये लगातार आगे भी इसी तरह से कायम रह पाएगा? इसी सवाल का जवाब मैं एस्ट्रोलॉजिकल आज आपको दे रहा हूं। दर्शकों, मेरे पास राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है, उसके आधार पर यदि मैं आपसे बात करूं तो एक ऐसी आदत उनके अंदर है, या यूं कह लीजिए कि ग्रहों की एक ऐसी परिस्थिति जिसके कारण से उनकी एक आदत बनती है कि वो कोई भी काम करते हैं बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन काम पूर्ण हो जाने के बाद में फिर आराम भी लंबा करते हैं। यही गलती यदि उन्होंने इस बार भी की, जैसा कि उनका हमेशा से रवैया रहा है, अगर इस बार भी उन्होंने गलती करी तो ये गलती इस बार उनको बहुत महंगी पड़ने वाली। कारण यही है कि जो आपने भारत जोड़ो यात्रा आरंभ की है उसके बाद जो पूरे देश के अंदर आपने माहौल बनाया है, अगर आपने फिर वही गलती करी कि इस भारत जोड़ो यात्रा के पूर्ण होने के बाद आप 2-3 महीने के लिए बाहर विदेश चले गए घूमने के लिए, आराम करने के लिए, तो आपके किए कराए पर सारा पानी फिर जाएगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि यही एक आदत आपके जीवन में हमेशा से आपको आगे बढ़ने में बाधक रही है, और इस बार भी यही गलती यदि आपने दोहरा दी तो आपकी पूरी मेहनत खराब जरूर हो जाएगी। इसलिए इस बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपको फिर कुछ नया इनिशिएटिव लेकर के अपनी कनेक्टिविटी भारत की जनता के साथ लगातार बनाए रखनी पड़ेगी, यदि आपको अपना आने वाला समय, भविष्य जो आपका है, राजनीतिक भविष्य, यदि उसको आपको मजबूत करना है तो। क्योंकि दर्शकों, होता यह है कि अक्सर हमारे जीवन के अंदर कुछ परिस्थितियां कह लीजिए या कुछ आदत कह लीजिए या हमारा एक नजरिया होता है, अगर वो हमारे जिंदगी के अंदर हमारे भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और हमें फायदा देने वाला है तो उस एक आदत के कारण से हमें जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं मिलती हैं। और यदि कोई ऐसी आदत जो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाने वाली है और उसको हम लगातार यदि दोहराते रहते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर काफी लंबे समय तक नकारात्मक रिजल्ट जरूर मिलते हैं। और यही कारण है कि इस समय पर जब ये यात्रा उनकी पूर्ण होने भी जा रही है और कांग्रेस को भी अपना आने वाला भविष्य अब बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में एक गलती राहुल गांधी जी अब दोबारा मत दोहराइएगा। यात्रा पूर्ण होने के बाद लंबी छुट्टी लेकर विदेश मत चले जाइए, अन्यथा किए कराए सब आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि बीज तो आपने अच्छा बोया है, लेकिन यदि उसकी रखवाली नहीं करी तो नन्हे पौधे को जो बीज से निकलेगा उसको आप बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये एक ऐसा ज्योतिषीय आकलन है जो मैंने राहुल गांधी जी की कुंडली के आधार पर सार्वजनिक तौर पर आप लोग के सामने रखा है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियां बहुत बार हमारे जीवन में भी होती है। जब हम कोई कार्य तो करते हैं लेकिन उस कार्य के पश्चात फिर हम कोई ऐसी गलती दोहराते हैं जिससे हमारे किए कराए सभी अच्छे कार्यों पर पानी फिर जाता है, और ये बात हम सबको अपने जीवन में जरूर याद रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शक को इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक ज्योतिषीय मैसेज और एक ज्योतिषीय आकलन दिया है। राहुल गांधी जी की कुंडली एक एग्जाम्पल के तौर पर ली है ताकि हम भी अपने अपने जीवन के अंदर इन परिस्थितियों को आने पर उसका आकलन कर पाए, उसके अनुसार निर्णय ले पाए। देखना यह है कि वो आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के पश्चात क्या करते हैं, किस तरह का उनका कदम होता है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर वो लंबी छुट्टी पर गए तो इस यात्रा का प्रभाव शून्य जरूर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।